नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को वेज बिरयानी बताने जा रहा हूँ। वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती राइस, जो कि मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिया था, लगभग 400 ग्राम, कटे हुए टमाटर, कटे हुए बीन्स, कटे हुए गाजर, राउंड शेप में कटा हुआ शिमला मिर्च, राउंड शेप में कटा हुआ खीरा, कटे हुए शिमला मिर्च, राउंड शेप में कटा हुआ प्याज, भुने हुए प्याज, केसर जो कि मैंने दूध में भिगो के रखा है, कटे हुए गोभी, कटे हुए आलू, कटा हुआ बंधा, स्लाइस कटा हुआ हमारा प्याज, फ्राई किया हुआ पनीर, गरम मसाला जिसमें कि मेरा एक बेलीफ है, लौंग है, छोटी लौंग, बड़ी लौंग, इलायची भी है, मेस है, जावित्री है। इसके अलावा मैंने लिया है बिरयानी मसाला पाउडर, क्यूमीन, जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। इसके अलावा मैंने लिया है पानी। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इस पैन में सबसे पहले रिफाइंड ऑयल 2 से 3 टीस्पून। इसके बाद मैंने लिया है घी 2 टीस्पून। अब क्यूमीन लेंगे, इसमें तेज पत्ता जो कि मैंने गरम मसाला लिया था, तो चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे सोक किया हुआ राइस और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हमारा राइस फ्राई हो गया है, इसमें अब हम पानी डालेंगे। ध्यान देना है आप लोगों को कि इसमें उतना ही पानी डालना है जितना चावल है उससे 1 इंच ऊपर तक। अब इसे हम ढक देंगे और इसे पकने देंगे। एक तरफ जहां मेरा चावल पक रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम वेज बिरयानी बर्गर के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम सारी सब्जियों को भून लेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। इस कढ़ाई में हम लोग 2 से 3 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज जो कि मैंने स्लाइस में काट लिया था। इसको अब अच्छे से चला लेंगे, इसको पकने देंगे। प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम लोग आलू कटे हुए, इसको अब अच्छे से चला लेंगे, इसको पकने देंगे। आलू हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें डालेंगे कैरेट और इसको चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बीन, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर। अब इसे चला लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा चावल 75-80% कुक हो गया है, तो इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें जो कि मैंने केसर भिगो के रखा था इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैंने अराउंड 1 टीस्पून लिया है। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्के हाथों से मिला लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2-3 मिनट से पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। अब इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट पानी ऐड करेंगे। इसको चला लेंगे। अब मेरा मसाला पक गया है, इसमें अब डालेंगे चॉप टमाटो
कैबेज। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम लोग 1/2 टीस्पून नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने नमक चावल में भी डाला था। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो कि मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेज बिरयानी के लिए हमारी अब सब्जी तैयार हो गई है। इसको फ्लेम से उतार लेंगे। वेज बिरयानी को फाइनल टचअप देने के लिए हमने एक पैन लिया है। इस पैन में हम घी डालेंगे और चारों तरफ इसको ग्रीज कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि घी चारों तरफ से ग्रीज हो गया है। अब इसमें हम लोग लेंगे चावल जो कि मैंने 75 से 80% तक कुक कर लिया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से चावल को सजा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जो मैंने सब्जी बनाई थी वो। अब इसमें हम लोग एक एक लेयर प्याज, कैप्सिकम, भुना हुआ प्याज, टमाटर, खीरा, पनीर अब इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला पाउडर चारों तरफ। फिर इसमें घी हल्का सा, उसी तरह जिस तरह से मैंने किया है एक लेयर उसी तरह से फिर से अरेंज कर लेंगे। मैंने पहले जैसे अरेंज किया था उसी तरीके से मैंने 3 बार इसको अरेंज किया है। यह मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको गैस के बर्नर पर चढ़ाकर 5 मिनट तक छोड़ देंगे। बनके तैयार हो गया है। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब ध्यान देना है आपको कि हल्के हाथों से चलाएं, नहीं तो चावल क्या होगा, टूटने लगेगा। अब देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, चारों तरफ कलर निकल कर सामने आ रहा है। तैयार हो गई है, इसे अब हम सर्व करेंगे। दोस्तों हमारी अब ये वेज बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये काफ़ी ईजी रेसिपी है, इसे घर पर बैठ कर ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।